गाइस, मैं हूं अमित। भाई साहब, आप लोगों ने बहुत सारे किले देखे होंगे, किलों के बारे में सुना होगा। किला यानी कि फोर्ट, जिसमें पहले के राजा महाराजा रहा करते थे, उनका सेफ प्लेस था वो। तो गाइस, आज हम आपको कोई छोटा मोटा किला नहीं दिखाने वाले, बल्कि आज आपको दिखाने वाले हैं दुनिया का सबसे बड़ा किला। और गाइस, अगर एग्जैक्ट फिगर्स में बात करूँ तो इंडिया का और एशिया का सबसे बड़ा किला। और नाम तो शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मैं भी बता देता हूँ गाइस। इस किले को बोलते हैं, इसके बारे में कहावत बहुत ही पॉपुलर है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी कि बाकी जो किले हैं वो सारे तो गढ़ैया हैं, छोटे छोटे किले हैं, असली जो किला है वो तो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़गढ़ है। और गाइस, हम लोग आ चुके हैं आज आपको दिखाने के लिए चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, चित्तौड़गढ़ के अंदर ही हम खड़े हैं, लेकिन किले में नहीं है। जो चित्तौड़ फोर्ट है, जो दुर्ग है, वो इधर है, इस साइड में है। ये जो पूरी पहाड़ी है ना, इसके ऊपर जो है चित्तौड़ का किला है। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो सबसे बड़ा किला है दुनिया का, वो किस तरीके का दिखता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, राजा महाराजा कैसे उसके अंदर रहते थे। हालांकि किला बहुत बड़ा है, पता नहीं हम कितना कवर कर पाएंगे आज, लेकिन गाइस आपको कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ दिखाने की। तो फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग गाइस इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। दोस्तों, हम लोग होटल से निकल करके आ चुके हैं फिलहाल रोड पर, और मार्केट से भी निकल करके आ चुके हैं, किले की तरफ जा रहे हैं फिलहाल और ऊपर चढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो है इस किले के 7 गेट हैं, बहुत बड़े एरिया में जो किला है वो फैला हुआ है, एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है पूरा। और 7 गेट से हम लोग जो है एक गेट से एंटर कर चुके हैं, जिसका नाम था पाडव पोल करके, तो उसमें से हम जो अंदर जा चुके हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ अब नज़ारा, ऊपर चढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली। और गाइस, जो किले हैं वो हाइट पर बनाए जाते थे ताकि अगर कोई भी आक्रमण वगैरह हो, कोई भी बाहर से अगर हमला करे तो उसके लिए इजी नहीं हो उसके ऊपर चढ़ना, उसको तोड़ना और हराना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक और बहुत बड़ा सा गेट है, जिसके अंदर हमारी जो गाड़ी है वो भाई साहब घुस चुकी है और हम लोग अंदर आ चुके हैं। दूसरे सामने जो है वो हमारी गाड़ी जा रही है। गाइस देखो यार, एक और यहाँ पर जो गेट है वो आ चुका है, कितने बड़े बड़े गेट। इसका नाम है हनुमान पोल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और कंटिन्यूसली ऊपर भी चढ़ रहे हैं, लेकिन जो गेट्स हैं वो आए जा रहे हैं, बड़े बड़े साइज के गेट है भाई। ये है भाई साहब जोरला पोल। तो एक और गेट आ चुका है, सारे गेटों का जो नाम है वो पोल है, पूरा इस हिसाब से बना हुआ है कि अंदर जो है कोई वो ना घुस सके, उसको बहुत सारे चैलेंजेस हों। ये गेट जो बंद भी होते हैं, लोहे के गेट है बड़े बड़े, हर एक गेट के ऊपर, यार इसके ऊपर गेट नहीं है, लक्ष्मण पोल है। और यहाँ पर जो है वो दरवाजे नहीं होंगे तो सही है, जगह तो है, हटा दिए मेरे हिसाब से। बात किला ऐसा लग रहा है जैसे एकदम सॉलिड हो और कहीं से इसमें टूट फूट भी नहीं है, मतलब कहीं से जो किला है, जो फोर्ट है, वो डैमेज नहीं है। पूरा जो किला है वो ऐसा लग रहा है कि बहुत नया किला है, लेकिन गाइस इस गलत फहमी मत रहना, नया नहीं है ये किला। और अभी तो हम चढ़ ही रहे हैं बिल्कुल गाइस, लक्ष्मण पोल के बाद में यहाँ पर राम पोल भी जो है वो आ चुका है। और ये गेट जो है ये भी और डिजाइन्स बने हुए हैं गेट वेट पे, इतने सारी मूर्तियां और सब कुछ हर एक गेट के ऊपर बनी हुई है चीजें। भाई किले के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर बस्तियां हैं, यहाँ पर घर हैं, उनकी गाड़ी की पार्किंग है, वो रह रहे हैं किले के अंदर, पूरा एक शहर किले के अंदर बसा हुआ है। और ऊपर एकदम भाई ग्राउंड है, पैदल रोड बना हुआ है पूरा। भाई किले के अंदर गाड़ी घुस गई आज तो। तो गाइस किले के हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये है मीरा मंदिर, तो जा रहे हैं फिलहाल अंदर। गाइस यहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, विशालकाय है ये। देखो ये जो मंदिर है ये है कुंभ श्याम मंदिर, जो कि 6वीं शताब्दी में बनाया गया था, कितना ज़्यादा पुराना है, और गुजरात के राजा के द्वारा ये बनाया गया था उस टाइम पे। और यहाँ पर है मीराबाई का मंदिर, और एक बार आप इनके ऊपर डिज़ाइंस देखो गाइस, इतनी ज़्यादा कलाकारी करी हुई है। और सोचो कि ये जो है ना भाई 1500 साल पुरानी बातें हैं, देखो कितना तगड़ा आर्किटेक्चर है उस समय का। और ये बहुत ऊंचा मंदिर है, बहुत ऊंचा है, पता नहीं कैमरा में कितना समझ में आ रहा होगा। और ये है मीराबाई जी का मंदिर, मीराबाई जो है वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी और हर कोई जानता है मीराबाई को। गाइस ये जो मंदिर है ये 6वीं शताब्दी में नहीं, 8वीं शताब्दी में बना था। और दोस्तों हमारे जस्ट सामने यहाँ पर है विजय स्तंभ। दोस्तों हम और अंदर आ गए, दूसरी जगह आ गए किले में ही, और यहाँ पर मेरे सामने है विजय स्तंभ, जिसको राजस्थान का गौरव बोला जाता है।
और ये जो है भाई विजय स्तंभ, आप लोगों ने नाम तो जो है वो कभी ना कभी सुना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो एक स्तंभ बनाया हुआ है जो कि 9 मंजिला है, 9 ग्रहों के ऊपर 9 मंजिला बनाया गया है, और ये बना था गाइज 1458 में। दोस्तों अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं वो आपने अक्सर फोटोज में देखी होगी, इस साइड में यहाँ पर है किले का व्यू, फोर्ट का व्यू। यहाँ पर आपको जो है किले की जो दीवार है वो भी देखने को मिलेगी। ये जो है फोर्ट की वॉल है, देखो यहाँ पर बुर्ज बने हुए हैं, और यहाँ पर है गोमुख कुंड जिसमें जो रानी पद्मिनी और जो बाकी रानियाँ थी वो स्नान किया करती थी। दोस्तों इस कुंड की जो गहराई है वो 50 फीट है, ये 50 फीट गहरा है, क्या बात है। अभी अंदर का कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन 50 फीट इसकी गहराई है। दोस्तों यहाँ पर है समाधीश्वर मंदिर, इसके अंदर शिव जी की, ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति है अंदर, बहुत बड़े साइज की मूर्ति है। और एक खासियत है इस पूरे किले की, खासियत नहीं कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है, लेकिन गाइस इतिहास तो इतिहास है कि इस किले की हर एक मूर्ति को, हर एक पत्थर को जो है डैमेज किया गया है मुगलों द्वारा। इस किले को जीतने के बाद में 10 साल तक इसकी मूर्तियों को डैमेज किया गया, मतलब कि डैमेज करने में जो है 10 साल लग गए। इतनी ज़्यादा मूर्तियां थी सब मंदिरों पे, हर जगह पर कोई भी मूर्ति जो है वो सही नहीं है, हर एक मूर्ति खंडित है, हर मूर्ति जो है टूटी फूटी है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, जितनी आर्किटेक्चर है जितनी भी है। और इसी मंदिर की बात नहीं है, पूरे किले की बात है, 10 साल तक तोड़ा गया था, इसको तोड़ने के लिए 10 साल रुका गया था। मैं तो झारखंड से हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आपकी मैंने चैनल भी सब्सक्राइब कर रखी है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। गाइज मेरे बिल्कुल पीछे यहाँ पर है ये जौहर कुंड, इसके अंदर जो है 3 बार जौहर हुआ है। जौहर का मतलब है कि जब राजा जो थे, जब वो लड़ने चले जाते थे या फिर उनकी मौत हो जाती थी या फिर वो नहीं रहते थे और रानियों को खतरा रहता था बाहर का जो शत्रु, जो दुश्मन आया है उससे, तब वो क्या करती थी, इसके अंदर पूरे के अंदर आग जला करके और इसके अंदर कूद जाया करती थी। रानी पद्मावती जी जो थी उन्होंने भी इसी के अंदर जौहर किया था, और वो अकेली नहीं थी, जब जौहर हुआ तो 16,000 और उनके साथ में महिलाएँ थीं जो कि एक साथ जलती हुई चिता के अंदर कूद गई थी। इसके अंदर बहुत सारी लकड़ियाँ डाली गई, तेल, घी, कपूर, जो कुछ था सब कुछ इसके अंदर डाल के इसके अंदर कूद गई थी। अभी जो है इसको कवर कर दिया गया है, इसके अंदर 50 फीट गहरा कुंड था जिसमें आग लगाई जाती थी और उसके अंदर फिर जौहर हुआ था, लेकिन फिलहाल इसको भर दिया गया। जब इसको भरा गया उस समय पर इसमें बहुत सारी हड्डियाँ भी मिली, बहुत सारे ज्वेलरीज वगैरह भी मिले, तो इसका अपना इतिहास है। और यहाँ आके बहुत ही डिफरेंट वाली फील आ रही है। दोस्तों यहाँ पर किले के अंदर ही जो गाड़ी है वो चलती है, और विजय स्तंभ देखने के बाद में अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह आगे। और सोचो इतनी बड़ी जगह है, इसमें बस घूमते रहो और चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। सुबह से हमको जो है दोपहर हो गई है और बहुत सारी चीज़ें अंदर। अब हम जा रहे हैं महल की तरफ। फिलहाल गाइज यहाँ पर मेरे जस्ट पीछे इधर पे है ये एक महल जो कि था पत्ता सिसोदिया, जैमल जी राठौड़ और कल्ला जी राठौड़ का महल, और वो जो है सेनापति थे इस दुर्ग के और वो इसके अंदर रहते थे। एक बार आपको जूम करके दिखाता हूँ, इसको पकड़ना ज़रा भाई। दोस्तों अकबर की सेना के द्वारा जैमल जी के पैर में गोली लग गई थी और वो जो है चल फिर नहीं सकते थे, तो इसलिए जो है कल्ला जी राठौड़ उनको अपने कंधे पर बिठा करके लड़ने गए थे, और उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा युद्ध किया। उसके बाद में भी बहुत सारे जो दुश्मन थे उनको मारा था पैर घायल होने के बाद भी, और अकबर जो है वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ था उनसे कि अकबर ने अपने महल के बाहर कल्ला जी की और जैमल जी की मूर्ति लगवाई थी अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए। बाद में हालांकि वो मूर्ति जो है उसने हटवा भी दी थी। दोस्तों अब हम आ गए हैं किले के राजमहल में जहाँ पर राजा रानी रहा करते थे। ये है रानी का महल और महारानी पद्मिनी जो थी वो भी इसके अंदर ही रहा करती थी। और ये जो महल है ये जल महल है, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है, और इसके अंदर जाने के लिए वो बोट का इस्तेमाल करती थी, तो यानी कि नाव से ही जो है, लकड़ी की नाव होती बताई, तो उससे जो है जाती थी और उसी से वापस आती थी। साल में जो है 4 महीने इसके अंदर रहते थे समर टाइम में, क्योंकि उस टाइम पे भाई ना कूलर, फ़ैन, एसी, ये ठंडा करने के लिए थोड़ी ना हुआ करता था उस टाइम पे, तो जो है भाई पानी है तो इसमें जो है इसी में रहते थे। पहले इस महल के अंदर भी जो है बोट जाती थी घूमने के लिए, लेकिन फिलहाल उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें जो है किसी की डेथ हो गई थी पानी में गिर करके। यहाँ पर जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा है भाई साहब। खास बात यह है कि पूरा का पूरा जो किला है वो एक
पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। ये पहाड़ है गाइस, जहाँ हम खड़े हैं फिलहाल ये भी पहाड़ है। और गाइस ये जो किला है ना, अपनी वीरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, इन सभी ने जो है राज किया है। और उन सभी के बारे में शायद आप जानते ही होंगे, महाराणा प्रताप के बारे में भाई कौन नहीं जानता है। ये जो किला है, ये किला तो खैर कई बार इसको लगभग शायद 27 बार इसके ऊपर अटैक किया गया, 27 बार आक्रमण किया गया। और इस किले को जो है बार बार कभी किसी ने जीत लिया, कभी किसी ने जीत लिया। फिर ये मुग़लों ने जीत लिया, फिर वापस से जो है राजपूत यहाँ पर वापस उनका शासन हो गया। तो कुल मिलाकर के इस किले ने बहुत सारी लड़ाइयाँ देखी हैं, बहुत सारा जो है खून बहा है इस किले के अंदर, और इसको बचाने के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिशें करी गई हैं। तो भाई आज हम उसी वीरता वाली जो भूमि है, जो जगह है, उसके ऊपर खड़े हैं। और यहाँ आकर के वो सारी जो वाइब्स है ना, वो फिर से आ जाती हैं कि किस तरीके से यार, क्या माइंडसेट उनका रहता होगा कि कुछ भी करना है लेकिन गुलाम नहीं होने देना, या कुछ भी हो जाए, जब मर जाएंगे लेकिन गुलामी नहीं बर्दाश्त करनी। गाइस अब हम बैठने वाले हैं घोड़े के ऊपर यहाँ किले के अंदर ही। तो गाइस आज जो है मैं घोड़ी तो नहीं पर घोड़े पर जरूर चढ़ गया हूँ भैया। अरे घोड़ा उठता है गाइस ऊपर आगे से, भैया उठाओ ना इसको, कहाँ ले जा रहे हो? अरे मस्त है यार, उठाओ उठाओ उठाओ। गाइज हम जिन गेट से घुस के आ रहे थे ना, वो हमको लग रहा था कि वही मेन गेट है, हम घुसते घुसते आ रहे थे, लेकिन एक्चुअली में वो पीछे के गेट थे किले के। जो किले का मेन गेट है वो तो ये है, इसका नाम है सूरज पोल। और ये जो है किले का मुख्य द्वार है, जो कि यहाँ से आता है और सबसे चौड़ा रास्ता है। देखो यहाँ पर जो कोई सड़क नहीं बनी हुई, यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और पहले यहाँ पर मिट्टी थी, जो ढलान था, स्लोप बना हुआ था, जिसपे घोड़े हाथी जो है वो चढ़ करके आते थे। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सीढ़ियाँ जो है वो बना दी गई हैं, ताकि इसके ऊपर चढ़ करके आया जा सके। लेकिन फिलहाल इस गेट से एंट्री नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इसको जो है खिलजी ने डैमेज कर दिया था, और उसकी वजह से भाई आगे जो है जाने का प्रॉपर रास्ता है नहीं। और गाइज आपको एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर सामने ये जो आपको फिलहाल मैदान दिख रहा है, जहाँ पर अभी तो खेत दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में युद्ध भूमि है। यहाँ पर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और ये जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना, ये एक इंसान की तरह दिखती है, कोई इंसान जैसे कि कुंभकर्ण जो है वो लेटा हुआ है। और जो सेनाएं थी वो इस पहाड़ी के पीछे रहती थी, जो दुश्मन की जो मुगलों की सेनाएं थी वो इसके पीछे रहती थी। जब वो हमला करने आई, जब वो लड़ने आई, तो यहाँ पर लड़ाई हुई। ये जो खाली जगह है जहाँ पर फिलहाल खेत वगैरह हैं, ये पहले मैदान था और यहाँ पर जो है युद्ध लड़े गए हैं, इसलिए इसका नाम जो वो युद्ध भूमि है। किले को बने जो है 1500 साल हो गए हैं, लेकिन बार बार यहाँ पर जो है चेंजेस होते रहे। और आज तक जो है 55 राजाओं ने इसको बनाने में जो है काम किया है। एक इतना बड़ा किला एक आदमी से तो बन भी नहीं सकता। हम इतना घूम चुके हैं, इतना चल चुके हैं, अंदर जो है 13 किलोमीटर का रास्ता है अंदर किले के अंदर पहाड़ के ऊपर। दोस्तों और आगे ट्रेवल करके अब हम पहुंच चुके हैं कीर्ति स्तंभ पे। और ये जो मेरे पीछे ऊंची से बिल्डिंग दिख रही है, ये है कीर्ति स्तंभ। ये जो है 12वीं शताब्दी में बना था। जो विजय स्तंभ हम देख करके आए हैं, उससे पहले बना हुआ है ये, और बाद में जो है विजय स्तंभ इससे भी ऊंचा बना दिया गया। इस पूरे कीर्ति स्तंभ के ऊपर जो है 1008 मूर्तियाँ हैं। और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर ये जो है जैन मंदिर है, जैन टेम्पल है। जो जैन लोग थे वो एक्चुअली में यहाँ पर इस किले के अकाउंटेंट्स का काम किया करते थे, यानी कि जिसको मुनीम बोलते हैं हम, तो वो वाला काम जो है उनका था। गाइस इसको बनाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं रहा होगा। कितनी तगड़ी आर्किटेक्चर जो है वो लगी होगी तब जा करके बना होगा। इतनी सारी मूर्तियाँ हैं, लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी वही है कि सारी की सारी जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर खंडित हैं, और एक भी मूर्ति सही नहीं दिख रही। 1008 जो है वो फूटी हुई है। दोस्तों मेरे पीछे जो है ये है इस किले का म्यूजियम, और ये जो 1906 में बनवाया था, इसका नाम है फतेह प्रकाश। ये जो उस टाइम पे गेस्ट हाउस था, सोचो गेस्ट हाउस भी इतना बड़ा था, लेकिन अभी जो है इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये जो है पूरा वाइट कलर का है, और ये जो है रीसेंट बिल्ड है, यानी कि रीसेंट यार अब हमारे लिए तो खैर काफ़ी ज़्यादा है, 100 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन
इस किले के जो 15 साल का किला है उसके लिए जो है थोड़ा सा नया है। और गाइस आप ये बिल्कुल मत समझना कि सारी चीज़ें बिल्कुल पास पास है, चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी दूर है, हम गाड़ी से हर बार जो है इधर से उधर हो जा रहे हैं। वहाँ पर स्कूल भी है, सोचो कि किले के अंदर जो है अपना खुद का स्कूल भी है, इतना बड़ा है साइज। चलो अब चलते हैं कुंभा पैलेस। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं कुंभा पैलेस, यहाँ पर मेरे बगल में है ये कुंभा पैलेस, और ये जो है मेन महल है जहाँ पर रानी बाकी के 8 महीने रहा करती थी गर्मियों में, यानी कि 4 महीने हमने जो आपको महल जल महल दिखाया था गर्मियों में वहाँ पे, और सर्दियों का जो 8 महीने का टाइम है वो यहाँ पर। तो अब चलते हैं इसके अंदर। ये है भाई साहब मेन फोर्ट इस किले का, जो कि है कुंभा पैलेस, और ये जो है राजमहल है। लेकिन अभी जो है अभी तो गाइस आपको खंडर दिखेगा, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है यार, राजा महाराजा बहुत सालों से यहाँ नहीं रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इतना बड़ा जो महल है वहाँ तक है ये, और 2 मंजिल 3 मंजिल, क्या बात है उस टाइम पे ये चीज़ बनाना। भाई साहब सैल्यूट है मेरा उन सभी राजाओं को जिन्होंने जो है ये चीज़ बनाई उस टाइम पे। जो इंडियन आर्किटेक्चर है वो इसकी वजह से जानी जाती है, जो राजस्थान का नाम है वो इन राजाओं की वजह से है गाइस। और गाइस हमने कोशिश करी है आपको चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसकी लगभग सारी चीज़ें दिखाने की। किला बहुत बड़ा है, हो सकता है गाइस कुछ ना कुछ मिस आउट भी हो गया हो, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हमने आपको दिखा दी। यहाँ पर आकर के जब सोचते हैं ना कि यहाँ पर उस समय पर राजा महाराजा रहे होंगे, वो भी कैसे राजा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, जिनका नाम सुनते ही एक बॉडी में अलग चल जाती है कि वो क्या लोग थे। इसीलिए कहा जाता है, आज समझ में मुझे भी आ गया कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। भाई साहब किला तो यही है, मतलब कहीं से कहीं तक पूरे किले में गाड़ी से घूमे हम लोग, तब जाकर के हम इसको कवर कर पाए। तो भाई साहब मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। अब हम भी जो है वापस जाएंगे क्योंकि थक गए हैं सुबह से। वीडियो के लिए गाइस लाइक करना जरूर से बनता है। और क्या आपने कभी चित्तौड़ का किला देखा है? देखा है तो नीचे कमेंट से बताना, नहीं देखा है तो भाई साहब गाइस मिस मत करना इस चीज़ को। ये जो है ना ये देखने लायक चीज़ है, एक्चुअली में देखने लायक चीज़ है। मैं जनरली ऐसी किसी जगह के बारे में इतना नहीं कहता, लेकिन है ये, क्योंकि भाई वैसे देखो मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है शायद, चित्तौड़गढ़ तो चित्तौड़गढ़ ही है। तो अगर आपको मज़ा आया वीडियो में तो लाइक का बटन दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।